क्या युद्धपथ के बीच प्रधानमंत्री मोदी के पास शांति पथ तैयार करने का मौका है? क्या मोदी की राष्ट्राध्यक्षों से पर्सनल केमिस्ट्री से यूक्रेन रूस को मिलेगा युद्ध विराम का मौका? क्या मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी के पास सबसे स्वीकार्य ग्लोबल लीडर बनने का मौका है? 40-45 लीडर्स भारत में आए हैं अभी पिछले कुछ ही महीनों में, और किस तरह से भारत का एक अपनी पॉलिसी रही है, स्टैंडर्ड पॉलिसी, प्रिंसिपल पॉलिसी, ये यूक्रेन के बारे में या किसी और मेजर इशू के बारे में, चाहे हम यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में हों, वैक्सीन डिप्लोमेसी में रहे हों, तो ये सारी चीजें जो है, जब हम इस तरह का एक लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी टाइप देखते हैं तो पता लगता है कि किस तरह से हमारी पहुंच आगे। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं जॉर्डन में एम्बेसडर था, वहां पे बड़े सारे लोग कहते थे हम तो, अरे आपका प्राइम मिनिस्टर, वी लाइक योर प्राइम मिनिस्टर। मोदी जो बोलते हैं उसे दुनिया कान लगाकर बहुत गौर से सुनती है। दुनिया के नक्शे पर आज की तारीख में कोई दूसरा ग्लोबल लीडर उतना लोकप्रिय नहीं जितना नरेंद्र मोदी है। दरअसल लीडरशिप और लोकप्रियता के पैमाने पर दुनिया के तमाम वर्ल्ड लीडर्स से बहुत आगे खड़े हैं नरेंद्र मोदी। ये वही लोकप्रियता है जिसके दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी दूसरे नेताओं से अलग पहचान रखते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि एक बार नहीं बल्कि बार बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का ताज मोदी के सिर सजता आया है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में मोदी 77% अप्रूवल के साथ टॉप पर रहे, यानी नंबर वन। यहाँ आपको ये याद रखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन या फिर फ्रांस के मैक्रों, मोदी के मुकाबले कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं दिखाई देता। सर्वे की रेटिंग के मुताबिक 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी दूसरे पायदान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेदोर, जिनके अप्रूवल रेटिंग 63% है, यानी मोदी से 14% कम। तीसरे नंबर पर हैं इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्वादी, 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर 45% रेटिंग के साथ जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कॉल्ज, यानी मोदी से 32% नीचे। पांचवें नंबर पर 42% रेटिंग के साथ जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है। छठे नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की रेटिंग है, जो 42% है। अगर बात सुपर पावर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की करें तो वह सातवें नंबर पर है, अप्रूवल रेटिंग है 41, यानी मोदी से 36% कम लोकप्रिय है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रेटिंग 41%, जो नंबर 8 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग 41% है, जो 9वें नंबर पर है। 10वें नंबर पर है ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो, उनकी रेटिंग है 39%। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 11वें नंबर पर है, उनकी रेटिंग है 33%। ये रेटिंग मोदी के कद और उनकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा का एक सूचक है। मोदी जब अपने काउंटर पार्ट के साथ टेबल पर बैठते हैं तो इसका असर होता है, मोदी की बात को दुनिया बहुत सीरियसली लेती है। इस वक्त दुनिया जो है, चूंकि एक तरह से मैं समझता हूँ शीत युद्ध की तरफ दोबारा बढ़ रही है, तो ऐसे में भारत को फिर एक मौका मिला है जिसमें वो एक कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में है, जो कंट्रीज अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, उनका एक लीडर बन के उमर्ज हो सके। और मैं समझता हूँ ये काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ज्यादा अच्छी तरह हो पाए। दुनिया भर में मोदी जहाँ जाते हैं वहाँ उनको लेकर लोगों का क्रेज दिखता है, लेकिन मोदी इस क्रेज के पीछे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत बताते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर रहने वाले पासपोर्ट का रंग कोई भी क्यों न हो, पासपोर्ट के रंग बदलने से खून के रिश्ते नहीं बदलते। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री कई बार दो मुल्कों के रिश्तों को ट्रेडिशनल सोच से अलग एक नए आयाम तक पहुंचा देती है, क्योंकि मोदी का मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता। जो डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट करते हैं, तो अगर आपकी सरकार जो है कोलिशन सरकार हो, या आपकी सरकार जो है जो उसमें एक दो वोट से गिर सके कभी, जैसा कई कंट्रीज में है,
और बार बार वहाँ चेंजेस होते हैं, तो एक तरह की जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी कहिए या फोकस कहिए पॉलिसी पे, खासतौर से विदेश नीति पे, तो वो थोड़ा बहुत बदल जाता है, क्योंकि फिर आप हर समय डोमेस्टिक पॉलिसीज के बारे में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आज जब एक बड़ा पावरफुल देश भारत, इतना आज एक इमर्जिंग पावर नहीं है, भारत एक खुद में पावर है जिसको दुनिया आज देखती है। विदेशी नीति के जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया में एक ऐसे लीडर हैं जिनके रिश्ते दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हैं। अगर मोदी अपनी दोस्ती का इस्तेमाल दुनिया के लिए शांति पथ तैयार करने के लिए करें, तो यूक्रेन और रूस युद्ध की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।